हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अन अकेडमी। आई एम नवदीप कौर। कैसे हैं आप सब? सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ लेकर आई हूँ एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज, स्पेशली उन लर्नर्स के लिए जिनका एग्ज़ाम अभी बाकी है और बाकी सब भी इसके साथ बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज स्पेशली उन लर्नर्स। तो लाइव आ गया है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं माय डियर फ्रेंड्स। हेलो, आर यू एबल टू सी मी? ओके, सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है? हाँ जी, हेलो जी सर। सो फ्रेंड्स, अनअकैडमी पे मैं पूरा पेपर वन, कंसेप्ट्स, प्रीवियस क्वेश्चंस, अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस सब कुछ करवा रही हूँ। ईच एंड एवरी यूनिट की, हर एक यूनिट के मैं करवाऊँगी, ठीक है? सो इसके अंदर आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तो अनअकैडमी के लर्निंग ऐप में आप थ्री लाइन से जाएंगे प्लस टैब पे, इस टाइप से ये ऐप है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप। अगर आप लैपटॉप से पढ़ना चाहते हैं तो अनअकैडमी.com, थ्री लाइन से NTA UGC नेट पे जाएंगे और उसके बाद यहाँ पे प्लस टैब पे जब आप जाएंगे, देन यू विल गेट सब्सक्रिप्शन। गेट सब्सक्रिप्शन में आपके पास ऑप्शन आएंगे कितने मंथ वाला आप लेना चाहते हो। तो आप एक ही बारे में 6 महीने या 1 साल वाला ले सकते हो। ये आपको काफ़ी कम प्राइस में मिलेगा। जैसे इसके प्राइस आप कंपेयर कर सकते हो। जब आप ये 12 मंथ वाला भी अगर लेते हैं तो इसके साथ आपको एक 10% डिस्काउंट मिलेगा नव क्लासेस कोर्स से, ठीक है? NAV क्लासेस, नव क्लासेस कोर्स से सभी में डिस्काउंट मिलेगा, सभी में। एंड देन नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे लिख के ना आपने अप्लाई पे क्लिक करना है, तो इस तरीके से डिस्काउंट आ जाएगा 10%। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे जाके आप अपने क्रेडिट्स को भी लगा सकते हैं, जिससे आपको और 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है? तो इस तरीके से आप यहाँ पे सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और अपने फ्रेंड्स को भी बता सकते हैं। हाँ जी, ठीक है, बढ़िया। सो अभी राइट नाउ जो कोर्सेज चल रहे हैं फ्रेंड्स, कंप्लीट कोर्सेज स्टार्ट हो चुके हैं। इस बार ये यूनिट वाइज आ रहे हैं, लाइक लॉजिकल रीजनिंग स्टार्ट हो गया है और कम्युनिकेशन भी ख़त्म ही होने वाला है। अब 1-2 क्लासेस बची हैं, ठीक है? सो इसके बाद फिर नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट हो जाएंगी। और कॉमर्स का जो क्लास है, मैं वो 1 नवंबर से स्टार्ट कर रही हूँ। एंड अगर आपका सब्जेक्ट कॉमर्स नहीं है, कुछ और है, आपके एडुकेटर अवेलेबल है, तो आप उनको भी साथ साथ देख सकते हैं, ठीक है? हाँ जी, हेलो जी सबको, गुड इवनिंग टू ऑल। सो दीज आर कोर्सेज। कैसे देखते हैं कोर्सेज? अनअकैडमी पे नवदीप कौर सर्च करिए, पहले तो मेरे को फॉलो कर लीजिए अगर नहीं किया तो। और उसके बाद आप मेरी प्रोफाइल में जाके, जो भी जैसे प्री क्लास भी होती है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है, इसलिए आपको फॉलो करना चाहिए, ठीक है? देन ऑनगोइंग कोर्सेज में, अपकमिंग कोर्सेज में और जो कंप्लीट हो चुके हैं वो सारे कोर्सेज, सब कुछ ही आपको मिल जाता है एक सब्सक्रिप्शन में। आपको अलग अलग से पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती, एक ही सब्सक्रिप्शन मंथ वाइज लेते हैं और उसमें सारा कुछ आप पढ़ सकते हैं। सो दिस इज़ व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। नवंबर 1 से ही हमारे जैसे कॉमर्स के भी स्टार्ट हो जाएंगे। चलिए जी, तो आई नो कि आप सब बेकरार हैं एमसीक्यूज करने के लिए। हाँ जी, पेपर 1 अभी करा रही हूँ, ऑफकोर्स एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज ऑन पेपर 1 ही लिखा हुआ है हेडिंग में। तो बताओ, क्वेश्चन आपके सामने है, हायर एजुकेशन, पीपल एनवायरनमेंट एंड रिसर्च, ये मेनली मैं आज लेकर आई हूँ। डू एज मच क्वेश्चन एज यू कैन, प्लस में आपकी क्लास मस्त है, कंसेप्ट बहुत मस्त तरीके से क्लियर हो रहे हैं, वेरी नाइस। अच्छा, आपको लगता है 40 सर्जन जो स्कीम है, इसमें एजुकेशन की रिकंस्ट्रक्शन प्लान कितने साल के लिए आया था? ये मैंने थियोरेटिकल एस्पेक्ट में भी क्लास में कराया भी था और आप सब भी बोल रहे हो 40 ईयर्स, सो दैट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है? सो इसको इंट्रोड्यूस किया गया था और इसको 1984 तक अचीव करना था, ठीक है? रिकंस्ट्रक्शनल प्लान, सो ये बेसिकली क्या कहता है कि फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन सभी बच्चों को 6 से 11 साल की उम्र तक करवाई जाए। तो ये एक इस तरीके का रिकंस्ट्रक्शनल प्लान था, ठीक है? अच्छा, मेरे को ऐसा प्रियंका इस बारे में नॉलेज नहीं है, आप अगर मेरे को अलग से मेरे को बता देना क्या चीज़ है, ठीक है? अच्छा चलिए, हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो वैसे आप ज़्यादा र्यूमर्स में मत आया करो, टेंशन नहीं लेने का, अपना काम सही करते चले जाना, है ना? हाँ जी। सो राधा कृष्णन कमीशन ऑन एजुकेशन वॉज अपॉइंटेड टू रिपोर्ट, तो इस बारे में बताना है आपने। 10 बजे वाली स्पेशल क्लास नहीं होती अब, ये कौन सी क्लास है बेटा? दिस इज़ 10 PM और
ये 10 बजे वाली क्लास है, फ्री क्लास है, ठीक है? हाँ सो फ्रेंड्स, एक्चुअली ना स्पेशल क्लास होती है इस महीने की, मैंने सारी क्लासेस ले ली थी, अब नवंबर से स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है? हर महीने कुछ क्लासेस मेरे स्पेशल में डाली गई हैं और कुछ क्लासेस यूट्यूब में डाली गई हैं अकेडमी की तरफ से। सो इस हिसाब से मेरे ये 2 क्लासेस बची थी, मैंने आज ले ली एक, एक सुबह 9 बजे है, 9 AM है, फिर नवंबर से मेरे स्टार्ट हो जाएंगे, देन यू कैन फॉलो स्पेशल क्लासेस भी अन अकेडमी पे। तो राधाकृष्णन कमीशन ऑन एजुकेशन वॉज अपॉइंटेड रिपोर्ट, तो बताओ ये किसके बारे में थी? यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन इसका दूसरा नाम है, ठीक है? वेरी नाइस, ओके नाउ क्लियर, ओके। सो यूनिवर्सिटी एजुकेशन, देखो 10 बजे क्लास लेनी होती है, जहाँ मर्जी लें, आपको क्लास से मतलब है, कंटेंट बेस्ट होना चाहिए, दैट्स डन। कोठारी कमीशन वॉज अपॉइंटेड इन, बताओ जी कब अपॉइंट हुई थी? 1 ईयर जब से लीगल तब होगा एग्जाम को काउंट करके। कौन सा वाला 1 ईयर पूर्णिमा? JRF के तो 3 साल होते हैं अभी। हाँ जी, कौन बताएगा इसका आंसर? अच्छा जी, बी इज करेक्ट आंसर, July 1964 AD। कोठारी कमीशन 1964 आपको अच्छे से ध्यान होगा, बट उसमें मार्च और जुलाई में से जुलाई वाले बच्चे बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही जा रहे हो तुम। NCERT कब एस्टैब्लिश हुई थी? ये सब मैचिंग में आते हैं क्वेश्चंस, है ना, एग्जाम में अभी भी आए हैं। हाँ जी, कल ना सुबह 9 बजे है, कल थी कि पूछ रहे हो? हाँ एक्चुअली अब मैं यूट्यूब वाली क्लास नहीं होती ना, तो मैं ऐसे कर लेती हूँ, एक दिन रात को और एक दिन सुबह, तो हो जाती है जल्दी। तो मैंने कल सुबह 9 बजे ली थी इसी चैनल पे, कल मेरे को एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रहा, वैसे शायद कल नहीं ली होगी, इससे पहले ली होगी, रात को और सुबह, ठीक है? एक आज और एक कल है, अब आने वाले कल है, 28th को है NCERT 1961। चलो, हु गिव सिस्टम ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, एजुकेशन का सिस्टम किसने दिया? हाँ, सो इंडिया में एजुकेशन सिस्टम कौन देता है? यस, कल सुबह इसी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है? लाइक आज Part 1 था ना, तो ऑफ कोर्स कल Part 2 होगा और MCQs करेंगे। वेरी नाइस फ्रेंड, मैं बहुत बार आप चीज़ों को, आपको ये सारी चीज़ें से क्लियर कर चुकी हूँ। तो बेसिकली जो स्टेट का मतलब ये हो गया कि जो एक तरीके से गवर्नमेंट या स्टेट जो पोजीशन में है, ठीक है, वो एजुकेशन का सिस्टम देती है। अब आपके माइंड में है सोसाइटी, वो भी बात एक तरीके से आपकी ठीक है, बट देयर इज अनदर कंसेप्ट अबाउट सोसाइटी, मतलब किस, कौन देता है इज स्टेट जो अपने रूलिंग में है, लाइक स्टेट में, अपनी स्टेट में कौन है? गवर्नमेंट, दैट कैन बी सेंट्रल, दैट कैन बी स्टेट। अब उसके बाद सोसाइटी क्या चीज थी फिर, वो क्या था? तो हमारा जो करिकुलम बनता है, जो एजुकेशन बनती है, एजुकेशन का जो क्या पढ़ाना है आपको, किस सिस्टम बनता है, वो सोसाइटी के बेस पे, सोसाइटी को ध्यान में रखते हुए, वो ये पॉइंट था आप लोगों के माइंड में। पॉइंट तो ठीक है, लेकिन सोसाइटी के बेस पे आपका जो एजुकेशन सिस्टम है वो तैयार होता है कि इसमें क्या क्या होना चाहिए जिससे आपने आगे जाके सोसाइटी में ही स्टैंड करना है, वहाँ पे स्टैंड हो पाओ। अभी बात क्लियर होगी ना? नालंदा यूनिवर्सिटी फेमस सेंटर ऑफ लर्निंग किसके लिए? वेरी इजी, हाँ बिल्कुल, हाँ सोसाइटी के नीड के ध्यान। देन नालंदा यूनिवर्सिटी किसके लिए फेमस है? बुद्धिस्ट स्टडीज के लिए फेमस है। नालंदा यूनिवर्सिटी इज फेमस फॉर बुद्धिस्ट स्टडीज, बहुत बढ़िया जा रहे हो। आगे नहीं गया। Who among following was called the inventor of algebra? हाँ जी, यहाँ कंफ्यूजन है आपको, CDA 3 आंसर आ रहे हैं, अच्छा बी भी थे तो फिर एक्चुअली सी इज करेक्ट, मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज्मी। सो बेसिकली ये फादर ऑफ अलजब्रा माने जाते हैं, इन्होंने एक बुक लिखी थी, किताब
अलजब्र। सो आर्यभट्ट भी है, आर्यभट्ट बेसिकली किसके लिए है? अच्छा तो मजा ले रहे हो हैं। आर्यभट्ट गेव द वर्ड डिजिट, वर्ड द डिजिट जीरो, जीरो दी थी आर्यभट्ट जी ने, ठीक है। सो बेसिकली इनकी जो बुक थी, आर्यभट्ट की जो बुक थी उसके अंदर उन्होंने जीरो दी थी हमारे पूरे वर्ल्ड को, जीरो का आविष्कार एक तरीके से कह सकते हो। और अलजब्र आपके फादर ऑफ अलजब्रा हो गए। हाँ, अगर एक क्वेश्चन ऐसा है जिसमें इनके बारे में नहीं दिया हुआ, सी वाला ऑप्शन नहीं दिया और फिर आर्यभट्ट दिया, फिर इसमें से सेकेंड मोस्ट बेस्ट ऑप्शन चूज किया जा सकता है। अगर इनका नाम ही नहीं है तो आप इनको चूज कर सकते हो, ठीक है। हाँ जी, ये यूनिवर्सिटी कहाँ है? आवाज क्यों ब्रेक हो रही है? बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, पटना में है ये। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। सो गंगा के तट के किनारे, आजकल गंगा के तट के किनारे बड़े क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, दो बार आ गए, ठीक है। विच कमीशन रिकमेंडेड अप्लाइड साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी कोर्स में अप्लाइड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में कौन सी वाली कमीशन ने रिकमेंड किया था? ये भी क्वेश्चन आया इस बार भी। तुम्हें दिख सही रहा है ना? हाँ दिख सही रहा है, थोड़ा सा कट रहा है बस, लेकिन क्वेश्चन सही दिख रहा है। अप्लाइड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। वॉइस खराब हो रही है क्या? मेरे को देखने दो, अटक गई है क्या? इसको नीचे रख दूँ? अब बोलो, हो रही क्या? मेरे को देखने दो, मेरे साइड से तो ठीक है। सो सैडलर कमीशन, फ्रेंड्स सबसे पहले सैडलर कमीशन ने डिस्कस किया था साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस के लिए। हाँ जी, मेरा माइक हिलता है, कोई नहीं, वो टक 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 की आवाज़ आ जाती है ना खेलने में। अच्छा, उसके अलावा एक और कमीशन है जो लास्ट लेटेस्ट कमीशन, अगर हम कहें तो ये तो पहली हो गई। लेटेस्ट में उस कमीशन का नाम क्या था बताओ? एम से नाम है, शर्मा, एम एस शर्मा, ठीक है। सो सैडलर और कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन 1917 में आई थी, तो इनके बेसिस पे ही जैसे कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, ठीक है, तो ये सब फेमस इंस्टीट्यूट्स को सेटअप किया था उस दौरान गवर्नमेंट ने, ठीक है। तो इनको इम्प्रूव करने की भी पूरी बात चली थी, ये सब है। एम एम शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमन स्कूल सिस्टम रिकमेंड किसने किया था? कॉमन स्कूल सिस्टम किसने रिकमेंड किया था कि होना चाहिए सबके लिए? हाँ जी, सो लेट्स सी, बी इज आंसर, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986, एब्सोल्युटली करेक्ट है आप, ठीक है, बहुत बढ़िया जा रहे हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिटन एग्जामिनेशंस कैसे होने चाहिए? रिटन एग्जामिनेशंस, सीडी, देखते हैं सीडी में कौन जीतेगा। डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, भाई सभी का कॉम्बिनेशन रिटन एग्जामिनेशन में आपको पता है नॉर्मली जो एग्जाम होता है उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी होते हैं, ऐसे भी टाइप भी होते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप भी होते हैं, ठीक है। अच्छा, टीचिंग प्रोफेशन क्या है? क्या फुल ऑफ कम्फर्ट, सैलरी अच्छी मिलती है, ऑनरेबल या होपलेस? आवाज़ आ रही है, लग रही है भूत है यार, क्या क्या बातें कर रहे हो तुम, ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? ऑनरेबल या होपलेस? आवाज आ रही है, लग रही है भूत है यार, क्या क्या बातें कर रहे हो? मेरे को तो नहीं लग रही ऐसी आवाज। ये आपने बनाई है क्या? रुको एक मिनट, मैं फैन बंद करके देखती हूँ। अब तो सच्ची आ गया, कोई नहीं, तुम ध्यान दो इधर क्वेश्चन पे। ऑनरेबल मतलब कि माननीय, ठीक है, डबल साउंड आ रही है, फैन की वजह से आ रहा हूँ। अभी देखो, अभी ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, मैं चौथे फ्लोर पे अकेली पढ़ा रही तुम्हें, तो मैं जा ड्रामे की ना, फिर देखना तुम सब सबसे फर्स्ट वाले फ्लोर पे बैठे हैं, मैं चौथे फ्लोर पे पढ़ा रही हूँ। एजुकेशन इज पार्ट ऑफ, अब क्लियर है? ठीक है, तो एजुकेशन किसका पार्ट है आज की डेट में? कंकरेंट लिस्ट का। कंकरेंट लिस्ट का मतलब होता है कि जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि जिसमें एक होती है यूनियन लिस्ट, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ये सारे डिसीजन लेती है, और ये स्टेट, अब स्टेट एंड सेंट्रल दोनों मिलके डिसीजन ले सकते हैं। कब आया था? 1976 में। 1976 में, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जान कहा जाता है, तब बहुत सारी अमेंडमेंट्स हुई थी, तभी अमेंडमेंट में चेंज करके, पहले ओनली प्रोविंशियल था, ओनली स्टेट था, फिर स्टेट से कंकरेंट में ले आए थे। ठीक है, हाँ जी, चलिए। यस, दीज आर एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। मेन फैक्टर ऑफ लर्निंग इज, बताओ लर्निंग का मेन फैक्टर क्या है? विल टू लर्न, मोटिवेशन, फेवरेबल इन्वायरमेंट, या फिर सब कुछ? कुछ मच्छर जैसे साउंड आ रही है, तुम ना सारी साउंड को ऐसे कर लो। एक्चुअली जब हम ये कंप्यूटर चलाते हैं ना, इतना बड़ा कंप्यूटर है, अब इस कंप्यूटर के पीछे यूपीएस चलता है, ये यूपीएस की आवाज़ है। ठीक है, तुम्हें सारे सेटअप देखने हैं ना, गोल गोल घूम के मैम दिखा दो रूम में है क्या क्या। मेन फैक्टर क्या हो गया? ऑल ऑफ अबव इज करेक्ट आंसर, कि हमारी इच्छा होनी चाहिए सीखने की, मोटिवेशन एंड फेवरेबल इन्वायरमेंट होना चाहिए। कल देखा मैम भैया लगा रहे थे। हाँ चलिए, सो एन एंशियंट इंडियन एजुकेशन सिस्टम, ग्रेजुएट्स को क्या बोला जाता था तब? थ्री सिक्सटी डिग्री घूम रहे मैम, एक बार कैमरा घुमा के दिखाओ ना अपने रूम का। दिखाया तो है, ऐसे ऊपर तो वीडियो डाली थी व्लॉग की, तुम्हें और कितना देखना है। सो एंशियंट इंडियन एजुकेशन सिस्टम, ग्रेजुएट्स को क्या बोलते थे? पंडित्स बोलते थे। क्या बात है, तुम तो बिल्कुल सही बता रहे हो। ठीक है, ओके। सो उसके अलावा अब आते हैं नेक्स्ट। ओपन नेशनल ओपन स्कूल इस्टेब्लिश कब हुआ था? एक्चुअली जैसे इग्नू है ना, इग्नू ओपन यूनिवर्सिटी है, वैसे ही अगर स्कूलिंग ओपन करनी है, जैसे टेंथ ट्वेल्थ ऐसा, तो उसके उनके लिए नेशनल ओपन स्कूल ओपन किया गया था। अच्छा, सुबह से शाम तक आपके साथ रहते हैं, अटैचमेंट हो गई है। अब हम क्या कहेंगे मैम, हम तो पोस्ट ग्रेजुएट है। अच्छा, तुम तो ग्रेजुएट के ऊपर पोस्ट ग्रेजुएट हो, महापंडित। चलो, सो 1989 सी वाले, बिल्कुल ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। सो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, पहले इसको नेशनल ओपन स्कूल कहा जाता था, ठीक है, अब NIOS कहा जाता है। ये इस्टेब्लिश हुआ था 1989 में, और ये ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन के रूप में ये इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, अब ये किस बेसिस पे इस्टेब्लिश हुआ था? 1986 की जो पॉलिसी आई थी, 1986, उसके बाद ये मेनली इस्टेब्लिश हुआ था। ये वाला क्लास में भी हम डिस्कस कर चुके हैं, बहुत पूछते हैं ये कि ये 1986 वाली नेशनल इकोनॉमिक नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी, या फिर 86 वाली, या 68 वाली, तो ये बहुत पूछते हैं। 86 वाली है क्योंकि 89 में आया ना, 86 के बाद आया। वट वॉज टाइटल ऑफ टीचर इन वैदिक पीरियड? वैदिक पीरियड में टीचर को क्या कहते थे? अन अकेडमी पे आपका क्लास नहीं ले रहे आप स्पेशल वाली, ये अन अकेडमी का चैनल ही है जी, हमने अन अकेडमी से नाता तोड़ा नहीं है, अन अकेडमी के चैनल पे ही आ रहे हैं। रात को 10 बजे वाली क्लास, एक्चुअली यू स्पेशल वाली कंप्लीट हो गई है, अब नवंबर में आएंगी, 1 नवंबर से लेंगे, बहुत मिस कर रहे हो तुम। वे तुम्हारे लिए फ्री क्लास कहीं भी लेनी है, ठीक है, चाहे अन अकेडमी की स्पेशल क्लास में ले, चाहे यूट्यूब के चैनल पे ले, क्लास चलती रहनी चाहिए, दैट्स इट। आचार्य बोलते थे, ठीक है। टाइटल ऑफ टीचर इन वैदिक एजुकेशन, वैदिक एजुकेशन में टीचर्स को आचार्य बोलते थे, ओके। गुरु किस में बोलते थे बताओ?
द टर्म ऑफ रेफरेंस ऑफ मुदालियर कमीशन वॉज, एक्चुअली मुदालियर कमीशन को और क्या बोलते हैं ये बताना है आपने, कल भी बहुत मिस किया 10 बजे, अच्छा कल सुबह क्लास है इस चैनल पे 9 बजे, ठीक है, रात की क्लास मैंने सुबह रख ली यहीं पे इस चैनल पे, और जो प्लस सब्सक्रिप्शन में क्लास होती है वो मेरी कम्युनिकेशन वाली डाउट क्लियरिंग क्लास सुबह 11 से 1 है, फिर लॉजिकल रीजनिंग वाली क्लास जो है वो इंडियन लॉजिकल स्टार्ट करेंगे उसके अंदर वो 2 से 4 है, ठीक है, एक एक घंटे का गैप सिर्फ, 9 से 10 आपके साथ फ्री क्लास, 11 से 1 प्लस वाली, फिर 2 से 4 प्लस वाली, सिर्फ 1 आवर का रेस्ट, रेस्ट भी क्या है उसमें भी लेसन बनाने होते तुम्हें तुम्हारे। सो इसको सेकेंडरी एजुकेशन भी बोलते हैं, ठीक है। सो एलिस मुदालियर सितंबर 23, सो इसको मुदालियर सितंबर 23, 1952 में इनकी कमीशन आई थी, और इसको मुदालियर कमीशन या फिर सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, तो दिस वाज फॉर सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। इस बार एक क्वेश्चन आया एग्जाम में कि बताओ मिलेनियम डेवलपमेंट गोल में सेकेंडरी एजुकेशन के बारे में बताया गया या फिर प्राइमरी एजुकेशन के बारे में बताया गया, तो वहाँ पे आपका आंसर था प्राइमरी एजुकेशन। ऐसे कभी मुदालियर के बारे में पूछे तो आपका आंसर हो जाएगा सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है। हाँ मैं नहीं, वो आप बताओगे, जवाब दो मुझे कमेंट में, गुरु किस में बोलते थे, कराया तो हुआ है तुम्हें। अकॉर्डिंग टू वुड डिस्पैच द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन शुड बी, कमेंट में जवाब आना चाहिए, नहीं तो हायर एजुकेशन की एंशियंट हायर एजुकेशन वाली लेसन को ओपन करो, उसमें दिया हुआ है, कल रात में 10 बजे भी थी क्या, नहीं कल रात वाली क्लास नहीं थी, आज वाली या कल सुबह वाली है। अकॉर्डिंग टू वुड डिस्पैच मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन शुड बी, अच्छा इंग्लिश संस्कृत वर्नैकुलर्स या फिर इंग्लिश एंड वर्नैकुलर्स, देखो यहाँ तुम गलती मत कर देना, ठीक है। सो दिस इज इंग्लिश एंड वर्नैकुलर्स, व्हाट इज वर्नैकुलर्स, वर्नैकुलर्स होता है कि उस कम्युनिटी के लोकल लैंग्वेज, जैसा कि अभी भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है ना, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में भी क्या लिखा गया है कि इनकी जो लोकल एजुकेशन लैंग्वेज होगी आप उन प्राइमरी वाले स्टूडेंट्स को उसमें भी पढ़ाओ, उसमें पढ़ा सकते हैं, ठीक है, ऐसा उनको ऑप्शंस दिया गया कि ऐसा नहीं है कि आप ज़बरदस्ती इंग्लिश ही लो या हिंदी लो, ज़बरदस्ती नहीं थोपा जाएगा, बिल्कुल इसी तरीके से उस टाइम पे वुड डिस्पैच भी थी, वहाँ पे बोला गया इंग्लिश मीडियम ही पढ़ाओ और वर्नैकुलर लैंग्वेजेस भी कराओ, लोकल लैंग्वेज ऑफ कम्युनिटी स्पोकन बाय अ कम्युनिटी, जो उनकी लोकल मदर टंग होती है जैसे, वो यहाँ पे बोला गया। प्लेलिस्ट हायर एजुकेशन की प्लीज दे दो, प्लेलिस्ट तो देखो मिल जाएगा, हायर एजुकेशन महा एपिसोड वाली प्लेलिस्ट है ना, उसमें से हायर एजुकेशन के 2-3 सेशन होंगे, वो सारे ले लो, हो जाएंगे। अनअकैडमी पे स्पेशल क्लास भी ली होगी मैंने ग्रैंड रिविजन वाली, उससे भी हो जाएंगे। वल्लभी वॉज फेमस एजुकेशन वॉज रजिस्टर्ड एज सोसाइटी इन, अच्छा वल्लभी कब आई थी, कौन से वाले 80 में, दिव्या तो मैं एक ही क्वेश्चन बार बार पूछती रहती हूँ, अभी तो जवाब दिया है, कल सुबह 9 बजे होगी, रात वाली को क्लास को सुबह 9 बजे शिफ्ट कर दिया गया है इसी चैनल पे। फ्रेंड्स यहाँ पे तुक्के मार रहे हो, याद नहीं आपको, तो वल्लभी 700 AD, ठीक है। वर्क एक्सपीरियंस इज अ ट्रेनिंग फॉर, किसके लिए होती है ट्रेनिंग, ICT की क्लास होगी क्या, तुम बताओ कल कौन से MCQs चाहिए, आज बच्चे कहे थे मैम हायर एजुकेशन पेपर मैम रिवाइज करा दो, सो मैं उसके MCQs लेकर आई हूँ। डी लग रहा है, सो एक्चुअली द आंसर इज ओनली सी, ठीक है। अब इसको समझाते हैं क्या हुआ, यहाँ कहता है वर्क एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस कब मिलता है, पार्टिसिपेशन इन प्रोडक्टिव वर्क फॉर अर्निंग, वर्क एक्सपीरियंस कब मिलता है, जैसे मैं आपको बोलती हूँ कि भाई आप टीच करो चाहे जिस भी लेवल पे करो, लाइक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आप लगोगे पहले, तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लगो, है ना,
तो ये सती जी अकबर आपको मैंने बोली। तो एक्चुअली जब आप पढ़ाई करते हो, ये जब आप दूसरों को एक तरीके से यू नो प्रोडक्टिव वर्क में जाते हो, जैसे कि इंटर्नशिप वगैरह भी होती है, तो उससे ही उनको काम करने का एक्सपीरियंस मिलता है, समझ आई? पार्टिसिपेशन इन प्रोडक्टिव वर्क, जिससे आगे उससे अर्निंग हो और इसमें काम करने का एक्सपीरियंस हो। अब ये आप जो कह रहे हो कोऑपरेशन इन हैव वर्क, मेरे को लगता है आप ना हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस से थोड़ा कंफ्यूज हो गए हो, वो अलग चीज़ थी, ठीक है? सो यहाँ पे कोऑपरेशन है नहीं है, वो बात अलग है। अगर आप टीच कर रहे हो तो उससे आपको एक्सपीरियंस मिलता है, पार्टिसिपेशन इन फैक्ट्री। सिर्फ एक फैक्ट्री से थोड़े ना वो हो जाएगा। आई होप आप समझ रहे हो, कम्युनिकेशन के क्वेश्चन करवा दीजिए, कन्फ्यूज़ होता है। अच्छा ठीक है, ऑल ऑफ अबव पे ऐसे मत जाया करो, सिंपल सी बात है, ठीक है? मैं जानबूझ के मेरे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इसी टाइप के होते हैं कि आप कन्फ्यूज हो जाओ, बट हेयर देर इज़ नो नीड टू कन्फ्यूज योर सेल्फ। सो पार्टिसिपेट कर रहे हैं हम किसी कर्म में, किसी काम को करने के लिए जिससे हमारी अर्निंग हो, ठीक है? वर्क एक्सपीरियंस कहाँ से मिलता है? इंटर्नशिप से, इन सब चीज़ों से मिलता है। मोस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन एजुकेशन रिकंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंग टू कमीशन इज एक्चुअली किसी भी कमीशन के द्वारा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ही कौन एजुकेशनल रिकंस्ट्रक्शन के लिए? आएगा अभी, आज पीपल इन्वायरमेंट के भी क्वेश्चन है, थोड़ा आगे है। आया? हाँ, टीचर ऑफ कोर्स, ठीक है? टीचर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन एजुकेशन रिकंस्ट्रक्शन। ओके, एरिया ऑफ ऑटोनॉमी आर, अगर आपको ऑटोनॉमी मिली है, मतलब खुली छूट मिली है कुछ करने की, तो वो कौन से वाले एरियाज में मिलती है? ओके ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। कम्युनिकेशन के क्वेश्चन में अगर आपको पता हो या नहीं पता, मैं जरा समझा दूँ। अनअकैडमी की वो लिख ले, अनअकैडमी की लर्निंग ऐप में 4:10 PM शाम के, ठीक है? एंड उसके साथ साथ 9:30 PM शाम के, ये मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सो बेसिकली मैं क्विज लेती हूँ, ठीक है? और उसमें कहने कितने सारे तो कम्युनिकेशन के क्विज लिए, अभी आगे भी लेते रहेंगे। सो लेट्स सी, अनअकैडमी की लर्निंग ऐप में आप यहाँ से प्लस टैब में जाते हैं, उसके बाद यहाँ पे नीचे बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें से टेस्ट वाले ऑप्शन में जाते हैं, ठीक है? अब इस टेस्ट वाले ऑप्शन के अंदर जाके एक ज्वाइन का ऑप्शन है जिसके अंदर मैं क्विज लेती हूँ। सो बेसिकली 4:10 पे और 9:30 मैं आपके साथ जो कोड शेयर करती हूँ टेलीग्राम में, उस कोड को आप यहाँ पे डालते हैं और वो क्विज देते हैं, और सिर्फ 15 to 20 मिनट्स का क्विज होता है जिससे आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाती है। तो गिव दैट, अभी समझ आ गया? वो सबके लिए मुफ्त है, फ्री है। तो आप सोचो कि आपके लिए फ्री क्लासेस में कितना कुछ आ रहा है, ये भी दिया करो। मैम रोज़ आपके दोनों क्वेश्चन करते हैं, बहुत नाइस होते हैं, वेरी नाइस। जी एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करा दो, एक्सपेक्टेड एमसीक्यू की पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, प्लीज़ उसको गो थ्रू कीजिए। यहाँ पे आंसर हो गया ऑल ऑफ अबव, एरिया ऑफ ऑटोनॉमी। अगर किसी को ऑटोनॉमी मिल रही है तो सभी सेक्शन में मिल रही है, जैसे कि सिलेक्शन ऑफ स्टूडेंट की, वो स्टूडेंट्स को एडमिट कर सकते हैं अपनी यूनिवर्सिटी में, एकेडमिक वर्क को प्लान कर सकते हैं और प्रमोशन कर सकते हैं टीचर्स का, ये सब, ठीक है? फॉर रिवाइवल ऑफ वैदिक लर्निंग Who raised the slogan of back to Vedas? बताओ ये वाला स्लोगन किसने रेज किया था? डेली गुज लेती हूँ 2 बजे, 2 बार 4:10 पे, फिर उसके बाद आपको पता है मेरी एक और क्विज आते हैं वहीं पे, आप फॉलो करके रखो ढंग से, 7 बजे शाम के और फिर 9:30। तो इतने सारे तो मैं क्विज ले रही हूँ आपके, पूरा दिन आप एक बार ही साथ देखोगे ना, आपको समझ आएगा। सुबह से लेकर रात तक आई एम अटैच्ड विद यू एंड आई एम प्रोवाइडिंग मैनी कंटेंट एंड क्विजेस। ओके, आपको क्या लगता है स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने क्या कहा था कि वैदिक लर्निंग को रिवाइव करना था, ठीक है? उसके लिए उन्होंने कहा था बैक टू वेदास। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। हाँ जी बिल्कुल, बता दिया जाए इनको। आपको पता है अनअकैडमी पे भी आप नव क्लासेस कोड लगाते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिलता है, ऐसे ही नव क्लासेस हर जगह फाइंड आउट कर सकते हैं आप। वहाँ पे भी फाइंड आउट कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा, ठीक है? नव क्लासेस यही सर्च कर लो, आपको हर जगह मिल जाएगा। चलो नेक्स्ट, ड्यूरिंग वैदिक एज पीपल वर कोल्ड,
लोगों को क्या बोला जाता था वैदिक एज के दौरान? हाँ जी, वो क्विज अगेन नहीं होते, वो सिर्फ लाइव जो बच्चे आते हैं उन्हीं को मिलते हैं और उनके सॉल्यूशन भी उन्हीं को दिखते हैं, वो बाद में गायब हो जाते हैं, मेरे को खुद को नहीं दिखते। वो ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है। ड्यूरिंग वैदिक एज बच्चे को क्या कहा जाता था? ब्रह्मचारी। बी इज वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ब्रह्मचार्य का पालन करवाते थे। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेलिबेसी। दे लिखा सेलिबेसी इंग्लिश में बोलते हैं। इन विच ईयर ग्रांटिन एड सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस? कौन? व्हेन इंडिया गेन इंडिपेंडेंस? 1947 नेशनल। चलो मुझे ये बताओ ग्रांटिन एड कब आया था? एक्चुअली देखो, इंडिया को जब आज़ादी मिली थी 1947 में, तो इंडिया में टोटल स्टूडेंट जो पढ़ रहे थे ना 241,000 अराउंड थे, और 20 यूनिवर्सिटीज़ थी, कॉलेजेस 496 थे, तब भी आज़ादी के टाइम पे भी। हाँ जी, फंड एलोकेटेड फ्रॉम वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट टू स्पेसिफिक पर्पस। ठीक है, सो 1857 में फंड एलोकेट किए गए थे सबसे पहले। आजकल मुश्किल है। अच्छा जी, चलो। व्हेन इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन अपॉइंटेड? इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन अपॉइंट कब की गई थी? हाँ जी, वेरी नाइस। हेलो जी सबको। इंडियन कमीशन अपॉइंटेड, क्या बात है। तुम मुझे बहुत करीब से जानते हो। सो लेट्स सी। सो फ्रेंड्स, 27 जनवरी 1902, सो यूनिवर्सिटी कमीशन कब अपॉइंट हुई थी? एक्चुअली इस कमीशन का नाम ही यही है, 1902। इसके बाद आपको याद है क्या हुआ था? इसके बाद बेसिकली कमीशन के बाद, हाँ, 1904 में हमारा इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट सबसे पहला वाला आया था, याद करो। और इंडिया को, इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है उसको प्रोविंशियल में डालना के लिए कह दिया गया था। ठीक है, प्रोविंस में डाल दिया गया। टेक्निकल तुम ना पढ़ाई कर लो, वैली गप्पे मार रहे हो यहाँ पे आके, एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया होगा तुमने। हाँ, सो मेथड ऑफ समेटेड रेटिंग फॉर इंक्रीजिंग एटीट्यूड वॉज डेवलप्ड बाय? साउंड प्रॉब्लम आ रही है? पीपल मैमेंट याद नहीं करते, समझते हैं। ठीक है, समझते हैं। मेथड ऑफ समेटेड रेटिंग फॉर इंक्रीजिंग एटीट्यूड वॉज डेवलप्ड बाय थर्स्टोन शेवबोथ एस्को ऑथर। सो समेटेड रेटिंग स्केल एक ऐसा स्केल है जिसके अंदर सीरीज ऑफ स्टेटमेंट होती है मेजर करने के लिए। अच्छा, थर्स्टोन स्केल याद है कौन सा वाला है? एक थर्स्टोन स्केल है जिसके अंदर आपका मैट्रिक टाइप होता है, जिसके अंदर यहाँ पे बहुत सारी स्टेटमेंट्स होती है, स्टेटमेंट होती है, स्टेटमेंट होती है, और इधर निकट की तरह भी पॉइंट्स दिए होते हैं। और इसमें एक बात और बोली गई है कि कैसे समराइज कर देंगे सब चीज़ों के बारे में, वो ऐसे कर देंगे। हाँ जी, लास्ट का मैम दोबारा बता दीजिए, ये थोड़ा पढ़ लीजिए। ऐसा मीटिंग में क्या होता है, इसके अंदर ये होता है कि ना, बच्चों को एक बार ये पूछा गया कि आप बताइए आप आपके मैरिड लाइफ कैसी चल रही है। ठीक है, और उसके बाद एक क्वेश्चन दे दिएगा, बताओ आर यू मैरिड और सिंगल। ठीक है, तो भाई यहाँ पे कहता है मेरी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, और इधर कहता है आई एम सिंगल, बताओ। वहीं पे टेस्टिंग हो गई कि पर्सन की टेस्टिंग हो गई कि ये बंदा पढ़ के नहीं दे रहा, अगर सिंगल है तो मैरिड लाइफ अच्छी कैसे चल रही है। सो दिस इज व्हाट कि थर्स्टन स्केल क्या कहता है, कि उसी समय पे काउंटर क्वेश्चंस दे दिए जाए जिससे एक सेकंड में पता चल जाए ये बंदा पढ़ के दे रहा है कि नहीं दे रहा,
और समराइज हो जाएगा सब कुछ, समेटेड रेटिंग हो जाएगी, जिसमें कंस्ट्रक्ट इस तरीके से किया जाता है कि कितना डिग्री ऑफ अग्रीमेंट आ रहा है, कितना डिसअग्रीमेंट आ रहा है, और वो कितना सच्चाई से आंसर दिए गए हैं रीड करके, इसका बेनिफिट होता है। ठीक है, किसने दिया था? एक्चुअली थर्स्टन एंड शेवे ने दिया था। देन चार्टर एक्ट 1813 का प्रोवाइड करता है हाउ मच एनुअल एक्सपेंडिचर, कितना एक्सपेंडिचर इन्होंने किया था इंडिया में इंक्रीज करने के लिए। हाँ जी, क्वेश्चन को नंबर देते हैं। हाँ जल्दी से बताओ, यहाँ सारे लर्नर्स ठीक है। चार्टर एक्ट 1 लाख रुपीज़ इंडिया में एजुकेशन के लिए सबसे पहले सैंक्शन किए थे, सबसे पहले, इससे पहले कभी इस तरीके से एजुकेशन के लिए अलग से बजट नहीं निकाला गया था। हु गेव हिज रिपोर्ट ऑन जर्नल एजुकेशन इन 1937? जर्नल एजुकेशन के बारे में रिपोर्ट किसने दी थी 1937 में? अच्छा, लाखों में खेलते थे जी। जाकिर हुसैन जी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, जनरल एजुकेशन 1937 में जाकिर हुसैन जी ने दिया था। सो रेजोल्यूशन ऑफ वर्धा कॉन्फ्रेंस के बारे में बात करते हैं। जाकिर हुसैन जी इसके भी रहे हैं चेयरमैन, पता है ना आपको। फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए 7 ईयर्स के लिए, नेशनल वाइड स्केल पे यहाँ पे बात की गई थी। मदर टंग में पढ़ाना चाहिए, वर्नाकुलर ही हो गया ये भी, और उसके अलावा थ्रू आउट दिस पीरियड ऑफ 7 ईयर्स एजुकेशन जो है वो मैनुअल एंड प्रोडक्टिव वर्क, मतलब कि वो इसके अंदर ये बोला जाता था कि जैसे कि मेहनत के जो काम होते हैं जिसमें हैंडीक्राफ्ट आ गया, ठीक है, प्रोडक्टिव वर्क, इन सब को भी इम्प्रूव करना है। ये सिस्टम में टीचर्स को भी पेमेंट मिलनी चाहिए, रेमुनरेशन सैलरी मिलनी चाहिए, ये बात की गई थी। और जनरेट करना एक मिनट, क्या कहता है कि ना बेसिक एजुकेशन डिज़ाइन करनी चाहिए बच्चों के लिए 7 और 14 ईयर्स ऑफ एज, और उसके अलावा इन्होंने बॉयज़ के लिए जनरल साइंस एंड गर्ल्स फॉर गर्ल्स होम साइंस, ये भी इम्फोसिस दिया था। देखो भाई, इतना बड़ा भेदभाव तो पहले कर दिया इन्होंने। खैर, बॉयज़ के लिए जनरल साइंस एंड गर्ल्स के लिए होम साइंस के लिए भी बोला था, ठीक है, वर्धा कॉन्फ्रेंस में। चलो कोई नहीं, आपकी क्लास के टाइम एंड क्या है? अभी 10 बजे से स्टार्ट हुई है, 11 बजे तक। हाँ जी बताओ, इस चैनल पे आपका क्लास डेली होता है? और ना जी ना, एक्चुअली मेरे ना कुछ क्लासेस अनअकैडमी की स्पेशल क्लास में होती है और कुछ क्लासेस इस चैनल पे होती है, तो जहाँ भी होती है आपको लिंक मिल जाते हैं। सो बेसिक एजुकेशन कमेटी जो है ना, ये जाकिर हुसैन जी के अंडर आए थे, और इसको फिर वर्धा कॉन्फ्रेंस बोला गया क्योंकि ये जगह का नाम है। जगह कहाँ है बताओ, कमेंट करो, जगह कहाँ है वर्धा, जगह कहाँ है? सो इन्होंने क्या बताया कि देयर शुड बी नो प्लेस फॉर इंग्लिश, बेसिकली ये मदर टंग की बात कर रहे थे। देयर वॉज नो प्लेस फॉर रिलीजियस एजुकेशन, ठीक है, सो ये सारी चीज़ें ये बोल रहे थे। रिलीजियस एजुकेशन वॉज ऑलमोस्ट देयर वॉज नॉट, लेकिन ये वाला जो इशू है ये फिर मुस्लिम्स के द्वारा नहीं एक्सेप्ट किया गया था, क्योंकि रिलीजियस एजुकेशन तो डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट है डिफरेंट ग्रुप्स के लिए, इसलिए, ठीक है। गुजरात, ठीक है, बहुत बढ़िया, सही बात है, वर्धा जगह का नाम है, दैट इज़ इन गुजरात। दिस इज वट ही शुड डू, ये सेंटेंस क्या होता है? ये वही है जो उसे करना चाहिए। अच्छा ठीक है, चलो कोशिश करती हूँ आज की पीडीएफ आपको दे दूँ, अभी इस क्वेश्चन का आंसर दो। उपदेश, अतिदेश क्या है? एक्सटेंशन और ट्रांसफरेंस, विस्तार या फिर संक्रमण, मतलब किसी चीज का फैलना, किसी चीज का फैलना को बोलते हैं अतिदेश। और उपदेश क्या है? उपदेश है कि हमें क्या करना चाहिए उस चीज के बारे में समझाना, ठीक है। अच्छा एक मिनट यार, तुमने गुजरात सही बात बोल रहे हो, गुजरात बच्चे लर्नर्स बोल रहे थे ना, इसलिए वर्धा, बिल्कुल सही बात बोल रहे हो, वर्धा गुजरात में है, मेरे को याद आ गया, मैं एक बार और कंफर्म कर लेती हूँ। तुम गलत क्या बता रहे थे,
वर्धा महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में। ठीक है, एक सेकेंड। महाराष्ट्र में है, ठीक है, यस। एक्चुअली वर्धा इज इन महाराष्ट्र, इज दिस क्लियर? यस। चलो अब हम आगे चलेंगे। सो इंटर्नशिप इज मोस्ट मस्ट फॉर टीचर एजुकेशन, बिकॉज इंटर्नशिप क्या देती है टीचर्स को? नागपुर के बाजू में। हाँ जी, वेरी गुड, गुड पॉइंट। जो भी पॉइंट आउट भाई अगर तुम्हें लगता है तो पॉइंट आउट करना जरूरी है, ठीक है, कई बार स्किप हो जाते हैं। इंटर्नशिप क्यों जरूरी है? सो कंप्लीट स्कूल इन्वायरमेंट के लिए इंटर्नशिप इज मस्ट फॉर टीचर, बिकॉज ताकि उसको स्कूल इन्वायरमेंट मिल सके। इंटर्नशिप होता क्या है? इंटर्नशिप होता है छोटे लेवल पे, वो जब वो टीचर ट्रेनिंग कर रही है तो उसको एक तरीके से इंटर्नशिप बोला गया है। तो एक्चुअली में वो जब स्कूल में पढ़ाई गई तो उसको किस तरीके का इन्वायरमेंट मिलेगा, इन सबको सीखने के लिए होता है, ठीक है। कंटेंट कोर्स, प्रैक्टिकल कोर्स या रिजल्ट प्रिपरेशन, सिर्फ रिजल्ट के लिए नहीं प्रिपेयर कर रहे हैं हम यहाँ पर अनअकैडमी पे। अच्छा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हो गए स्लोगन ईच वन टीच वन, किसने ये वाला स्लोगन दिया ईच वन टीच वन? मैं हमने टेलीग्राम पर हायर एजुकेशन का एक वीडियो दी थी, उसकी पीडीएफ मैं आज वाले के दे दूंगी, ठीक है, इतनी पुरानी पुरानी याद नहीं रहती है। और बेटा जी पांडे जी, आपको इतना ही लग रहा है तो आप यहाँ पे क्या क्यों टिके हैं? कृपया करके प्रस्थान थोड़ा कहीं और करिए, इधर ध्यान दीजिए, जो पढ़ रहा है उनको पढ़ने दीजिए। हु गेव द स्लोगन ईच वन टीच वन? हर एक को, हर किसी को सिखाना चाहिए। सो ये क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी जी ने दिया, ठीक है, महात्मा गांधी जी ने दिया, बहुत बढ़िया। द वांडरिंग टीचर ड्यूरिंग द वैदिक एज वॉज कॉल्ड, एक्चुअली वांडरिंग टीचर का मतलब थोड़ा सा कुछ और है, अभी मैं आपको बताऊंगी। हाँ जी, देखो अब पीछे वाली आवाज हट गई। एक्चुअली ये जो चलता है ना पीछे, ये आजकल 1 घंटा लेने लग गया है ऑपरेटिंग यूपीएस, ये बहुत टाइम लेता है। यस वेरी नाइस, चरक्काज बोला जाता है हिंदी में, बिल्कुल ठीक लिखा है। भटकने वाले शिष्य को, मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह आगे आगे जाते रहते हैं, उनको क्या बोलते हैं, ठीक है। हाँ जी, वेरी नाइस, चलिए अब आगे चलते हैं। सो चरक, ये एक्चुअली अगर हम देखें, वॉज वन ऑफ प्रिंसिपल कंट्रीब्यूटर टू आयुर्वेद, आयुर्वेद के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर रहे हैं। मेडिसिन लाइफ स्टाइल डेवलप किया गया है एंशियंट इंडिया में। सो टर्म चरक का मतलब होता है वाइंडिंग स्कॉलर्स, मतलब भटकने वाले विद्वान, जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, दूसरी जगह से तीसरी जगह जाते हैं। सो इस तरीके से होता है, ठीक है। नहीं लग रहा था का क्या होता है भाई, पेपर में लग रहा था काम आएगा, कि जो सही वाला आंसर है वो काम आएगा, लिसन केयरफुली। सो इनके हिसाब से मेनली ये क्योर करते हैं, कैसे किसी को बचाया जा सकता है, क्योर किया जा सकता है, ठीक है। ये क्या कहते हैं, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, कि किस तरीके से हम पहले से ही प्रिवेंट करके चले, क्योर से बेस्ट वो चीज़ रहेगा। चरक का मेनली फादर ऑफ मेडिसिन जाने जाते हैं, फादर ऑफ मेडिसिन के रूप में जाने जाते हैं इंडिया में, ठीक है। चलिए वेरी नाइस। नेम ऑफ ग्रेट एंशियंट नालंदा यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी वॉज, बताओ नालंदा यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी का नाम क्या था? हाँ जी, चलो इधर टॉपिक पे ध्यान दीजिए। धर्मगंज, क्या बोलते थे इसको? धर्मगंज। वाह वेरी गुड, आपको पता था, बहुत बढ़िया, ठीक है।
सो नेक्स्ट इज विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट एन एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन. देखो अगर आपको कोई डेफिनेटली इशू है, देखो मैं अपना टीचिंग कर रही हूँ, ठीक है, कोई ज़्यादा इशू है, अनअकैडमी की ऐप है, उसके अंदर 3 lines आती हैं साइड में, उसमें चैट ऑप्शन होता है, आप अनअकैडमी की टीम से बात कीजिए, ठीक है. मैं एक एजुकेटर हूँ जो अनअकैडमी में पढ़ाती हूँ और अपना काम बहुत अच्छे से कर रही हूँ. आपको कोई और इशू है किसी और चीज़ से तो प्लीज़ वहाँ पर जाके उनसे बात कीजिए, ठीक है. द आप देखो किसी और को बोलोगे कोई बेनिफिट नहीं होगा, जिनकी बात है उनको बोलो. इनमें से क्या कहता है, एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन नहीं है, एडवाइज नहीं करता है. सो यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इज नॉट एडवाइजरी बोर्ड, ठीक है. हाँ चलिए एक सेकेंड. एक्चुअली आपको पता है कि MHRD जो अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बन चुका है, केब है ही क्या, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन है. एनसीआरटी भी बहुत सारी एडवाइस देता है और जो स्कूल एजुकेशन सिस्टम है उनके लिए भी करिकुलम को मेंटेन कर रहा है, ठीक है. सो ये सब है. हायर एजुकेशन वॉज गिवन ड्यूरिंग वैदिक पीरियड. हाँ जी बताइए. गुरुकुल चरण शख्स और ऑल ऑफ अबव. हायर एजुकेशन वैदिक पीरियड में किनके द्वारा दिया गया था? ऑल ऑफ अबव, यस. गुरुकुल चरण एंड शख्स, इन सभी ने एक तरीके से हायर एजुकेशन के बारे में हायर एजुकेशन दिए हैं, प्रोवाइड किए हैं. विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नंबर ऑफ स्केल पॉइंट इज नॉट ट्रू. नंबर ऑफ स्केल पॉइंट के बारे में कौन सा वाला नहीं है? चलिए लिसन केयरफुली. अच्छा मैं हट जाऊं, ये लो अब चलेगा क्या? अभी भी नहीं चलेगा, दूसरी जगह हटू जाके. अब बोलो. ओके नाइस. सो लेट्स सी फ्रेंड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नंबर ऑफ स्केल पॉइंट इज नॉट ट्रू. रिलायबिलिटी इंक्रीज करता है नंबर ऑफ स्केल पॉइंट इंक्रीजेस, मतलब जितनी ज़्यादा विश्वसनीय हो जाती है उतना ही ज़्यादा यहाँ पे स्केल पॉइंट इंक्रीज हो जाते हैं. वैलिडिटी डिक्रीज एज नंबर ऑफ स्केल पॉइंट इंक्रीज, तो ये उल्टा हो गया ना. लार्जर नंबर ऑफ स्केल पॉइंट प्रोवाइड एबिलिटी टू एक्सट्रैक्ट मोर वेरियंस, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हम वेरियंस को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं. लार्जर नंबर ऑफ स्केल पॉइंट इंक्रीज एक्यूरेसी, एक्यूरेसी भी इंक्रीज करता है एक तरफा यूनिडायमेंशनल स्केल्स में. सो एक्चुअली जो बी वाला पॉइंट है वो उल्टा बोल रहा है, ठीक है, इसलिए. चलिए सो स्केल पॉइंट क्या होता है कि किस पर्टिकुलर एक स्केल्स क्या होते हैं आपको पता है, जैसे लिकर्ट स्केल एंड ये सब स्केल्स होते हैं एनालाइज करने के लिए कि किसी को असर्टेन करने के लिए कि आपकी अग्रीमेंट है या फिर डिसअग्रीमेंट है किसी चीज़ से रिलेटेड, ऐसा होता है वो. फोटोकेमिकल स्मोक नॉर्मली डज नॉट कंटेन, इसमें क्या कंटेन नहीं होता, पीपल एनवायरमेंट आ चुका है. हाँ जी सो फोटोकेमिकल स्मोक डज नॉट कंटेन, इसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स नहीं होता. ये आपको बताया गया है कि पैन होता है, ओजोन होता है, एक्रोलीन होता है, लेकिन CFC नहीं होता. CFC अलग चीज़ है, ठीक है. यस सो डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर इज कॉज ड्यू टू, बताओ ओजोन लेयर डिप्लीट होती चली जा रही है, क्यों हो रही है? अच्छा चलो अपनी अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो प्लीज. डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, वेरी नाइस. सो फेरियॉन्स, ठीक है, ट्रेडमार्क फेरियॉन्स,
भाई मैं अनअकैडमी में पूरा पेपर वन भी कवर कराती हूँ, ए टू जेड, एंड कॉमर्स भी कवर करवाती हूँ, तो आप टेंशन ना लें, मैं आपको पूरा पेपर वन एंड कॉमर्स सब कुछ कराऊंगी, हर एक यूनिट करवाऊंगी, ठीक है। और मेरे से लिए हुए पिछली बार लास्ट ईयर दिसंबर 2019 का भी रिजल्ट आ चुका है, और मेरे ही लर्नर है यशस्वी दुबे, जिसका 100% आया था, ठीक है। सो आई एम ऑल्सो हेयर, यू कैन स्टडी थॉरली। सो डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर इज कॉज ड्यू टू फेरियॉन्स, फेरियॉन्स होता है ट्रेडमार्क, फेरियॉन्स का मतलब है कि बहुत सारे गैशियस क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स रिलीज हो रहे हैं, तो फेरियॉन इज रिलेटेड टू क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, उसके लिए ये एक तरीके से ट्रेडमार्क है, ठीक है। ट्रेडमार्क होता है ना, जैसे किसी कंपनी का प्रॉपर ट्रेडमार्क होता है, बिल्कुल वैसे ही, ठीक है। हम हिंदी मीडियम से चाहिए, अच्छा चलिए। सो नेक्स्ट समझते, ये क्या हुआ, ये क्या चीज, डॉट कहाँ से आ गई। फाइंड सेकेंडरी पोल्यूटेंट अमंग देम, सेकेंडरी पोल्यूटेंट फाइंड आउट करने, सो सेकेंडरी पोल्यूटेंट कौन सा है। सेकेंडरी पोल्यूटेंट वो होता है जो कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइमरी पोल्यूटेंट की से बनता है, ठीक है। यस, सो पैन अभी हमने डिस्कस किया, किस किस से बनता है बताओ, हाइड्रोजन और ऑक्सीडेंट्स के कॉम्बिनेशन से मेनली बनता है, पेरोक्सी एक्सटाइल नाइट्रेट। अब मैं नाइट्रोजन ऑक्साइड की बात करूँ, सल्फर डाइऑक्साइड की बात करूँ, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूँ, कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करूँ, ये सब प्राइमरी है, वो जिस स्टेट में निकलते हैं उसी स्टेट में रहते हैं, बट पैन कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइमरी की वजह से बनता है। रिएक्शन रिस्पॉन्सिबल फॉर रेडिएंट एनर्जी ऑफ सन इज, सो कौन सा वाला ऐसा रिएक्शन है जो कि रेडिएंट एनर्जी के लिए अवेलेबल है। हाँ जी जल्दी से बताइए, अरे तो मैं डाउट हो रहा है, शायद वो छुट्टी पे होंगे, ठीक है, ऐसा भी होता है कई बार ये कुछ टाइम वेट करें वो छुट्टी पे चला जाता है। चलिए वेरी गुड, लेट्स सी न्यूक्लियर फ्यूजन। एक्चुअली फ्यूजन एंड फ्यूजन में डिफरेंस होता है, तुम्हें पता है कैसे, जैसे कुछ गैसेस हैं जब वो आपस में मिलती हैं, आपने शक्तिमान देखा कभी, शक्तिमान में क्या होता है कि हाँ शक्तिमान क्या होता है, ये क्या पूछ रही हूँ मैं, शक्तिमान में क्या होता था, इधर से आता था आग का गोला, उधर से आता था आग का गोला, और वो ठुश करके बड़ा हो जाता था, ठीक है। सो ऐसे ही आई थिंक वो ऋतिक रोशन वाली मूवी में भी है ऐसा कुछ कि आग के गोले वाला सीन, तो जब इस टाइप से हो रहा है कि कुछ आग के गोले साथ आ रहे हैं और वो बहुत बड़ा हो जाता है, देन दिस इज व्हाट फ्यूजन। एंड व्हाट इज फीजन, फीजन होता है कि जब दो आग के गोले आपस में टकराए, लेकिन हाँ कोई मिल गया भी था, तो वो बिखर जाते हैं, वो छोटे 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 हो जाते हैं, जब वो छोटे होकर टूट जाते हैं ना, देन दैट इज कॉल्ड फ्यूजन। सो फ्यूजन एंड फ्यूजन में ये डिफरेंस है, अभी समझ आ गया, यस बहुत बढ़िया। सो नेक्स्ट देखते हैं, कोल्डेस्ट रीजन ऑफ एटमोसफेयर, एटमोसफेयर का सबसे ठंडा रीजन कौन सा वाला है, ठीक है। हाँ जी चलिए जल्दी से बता दो, मीनिंग तो सेम है ना, अरे सेम मीनिंग कहाँ से हो गया, जब दो आग के गोले मिलके एक बड़ा बन रहा है तो फ्यूजन, जब वो छोटे छोटे बिखर जा रहे हैं तो फ्यूजन, समझ आए मीनिंग कहाँ से सेम हो गया। ओके सो हियर द आंसर इज मेसोस्फीयर, सो सबसे ठंडा जो रीजन है दैट इज मेसोस्फीयर ऑफ एटमोसफियर, ठीक है। जितना ऊपर जाते हैं उतने आयंस बढ़ते रहते हैं, फिर गर्मी भी बढ़ती रहती है, वो सब हो गया। अच्छा ट्रोपोस्फेयर आपका अर्थ से बिल्कुल रिलेटेड हो गया, जिधर हम हैं, हम कौन से वाले रीजन में, हम ट्रोपोस्फेयर में हैं, फिर हमारे ऊपर कौन सा होता है स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मेसो, फिर थर्बो। अच्छा सो इन एयर N2O2 अकर नेचुरली बट दे डू नॉट रिएक्ट टू फॉर्म ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, बिकॉज एक्चुअली अगर मैं हवा की बात करूँ तो हवा में नाइट्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, लेकिन ये दोनों एक साथ मिलकर रिएक्ट करके नाइट्रोजन ऑक्साइड क्यों नहीं बनाते हैं, दिस इज़ वेरी गुड क्वेश्चन, बताइए।
हाँ जी जल्दी से बता दो। वेरी नाइस बी एक्चुअली सी है इसका आंसर। रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी वजह से जो थर्मल एनर्जी है ना वो एब्जॉर्ब हो जाती है। ठीक है, एक एंडोथर्मिक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर या तो थर्मल एनर्जी चाहिए या उसमें वो एब्जॉर्ब हो जाती है। सो इसमें क्या होता है कि इसमें हीट बन जाती है, तो इसकी वजह से इस केमिकल प्रोसेस की वजह से जो अमोनियम नाइट्रेट है पानी में या फिजिकल प्रोसेस में वो एक तरीके से क्या हो जाता है, डिजॉल्व हो जाता है, वो उसी में घुल जाता है। ठीक है, ये चीज़ होती है, वो उसी में घुल जाता है। इस वजह से रिएक्शन ऑफ एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक इज कि उसमें थर्मिक एब्जॉर्ब हो जाती है। ठीक है, अभी समझ में आ गया पॉइंट? ठीक है, हाँ सब टॉपिक पे ध्यान दें ताकि ये टॉपिक अंडरस्टैंड हो जाए आपको, आगे तक काम करेंगे, आगे हायर एजुकेशन इन्वायरमेंट एंड ऑल में। कंपोनेंट एसेंशियल फॉर प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस हैज एलिमेंट। अब कौन सा वाला कंपोनेंट एसेंशियल है, कंपल्सरी है? अगर हम फोटोसिंथेसिस की बात करें, फोटोसिंथेसिस क्या होता है कि सनलाइट के प्रेजेंस में कैसे प्लांट जो है वो अपना खाना बनाते हैं, एक तरीके से फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो इसमें कौन सा वाला एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है जी, ये बताओ। ठीक है, वेरी नाइस। सो हेयर द आंसर इज मैग्नीशियम। मैग्नीशियम एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये बिंदी क्यों आ रही है, मैं चेक कर रही थी बिंदी क्यों आ रही है, अब कहाँ से जाऊँ पीछे। अच्छा ऐसा करके आ रही है, लिसन अब कि एक्चुअली। हाँ जी, सो मैग्नीशियम का मतलब क्या है? मैग्नीशियम एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है फोटोसिंथेसिस के टाइम पे। ये एक सेंट्रल एटॉम्स बनाता है, ठीक है, क्लोरोफिल के। सो आयरन रिक्वायर होता है उसके सिंथेसिस के लिए, और क्लोरोफिल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो बेसिकली मैग्नीज रिक्वायर्ड है फोटोलिसिस के लिए। ठीक है, जब फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो फोटोलिसिस के लिए मैग्नीशियम रिक्वायर होता है। अब फ्रेंड्स आपके पास कोई भी डाउट है यू कैन आस्क मी, जल्दी से बताओ। एनी डाउट यू हैव, पॉइंटर है वो मैम। अच्छा नहीं, वो मेरे को बाद में पता चला, वो ऐसा करके आता है और बीच में अटक जाता है। एनी क्वेश्चन यू हैव, नो टीचर को एलसीडी। अच्छा बेटा तुम्हें बहुत कुछ आता है, प्लीज चलाओ जल्दी से सारी चीजें। ओके हाँ डाउट ही तो पूछ रही हूँ। वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, वेरी नाइस। वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब क्या है? ये एक ऐसे कंपाउंड्स है जिसके अंदर एक तरीके से प्राइमरी पोल्यूटेंट्स आते हैं। अगर हम बात करें ओजोन की, तो ओजोन कैसे मिलती है? ओजोन मिलती है VOC, ठीक है, और बेसिकली VOC, और जल्दी बताओ ओजोन कैसे बनती है? नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, और सनलाइट के प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में बेसिकली यहाँ पर ओजोन बनती है। ओजोन कौन सी वाली? ट्रोपोस्फेरिक ओजोन, सरफेस ओजोन। अगर मैं बात करूँ दूसरी स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन की, तो स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमें यूवी रे से बचाती है। ठीक है, हाँ यहाँ पे एक तरीके से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड या और भी बहुत सारे इसके अंदर होते हैं, बहुत सारे प्राइमरी पोल्यूटेंट को मिला के VOCs बनते हैं, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हाँ जी अच्छा हाँ, जो बुरी होती है, जो अच्छी नहीं होती, वो ट्रोपोस्फेरिक होती है, स्ट्रेटोस्फेरिक अच्छी होती है, उसको हमें बचा के रखना है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी पोल्यूटेंट, एक बारी देखो, प्राइमरी पोल्यूटेंट वो होते हैं जो कि अपनी स्टेट में ही रहते हैं, वो आगे जाके चेंज नहीं होते। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड अगर अपनी स्टेट में ही रह रहे हैं एनवायरमेंट में, तो वो प्राइमरी है। अगर हम बात करें कि पैन, ठीक है, या फिर जो कॉम्बिनेशन से बन रहे हैं, सल्फर ट्राइऑक्साइड,
ठीक है, तो ये सब क्या हो रहे हैं, ये कॉम्बिनेशन से बन रहे हैं, तो ये ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं, जहरीले होते हैं, प्राइमरी वाले कम टॉक्सिक होते हैं, कम जहरीले होते हैं। सो ये सब इनमें मेन डिफरेंस है। जो साइनर्जिज्म है, साइनर्जिज्म का मतलब कि जब दो पोल्यूटेंट आपस में मिल गए तो वो ज़्यादा टॉक्सिक हो जाते हैं, ज़्यादा जहरीले हो जाते हैं, तो वो बेसिकली होता है सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स में। अगर मैं प्राइमरी पोल्यूटेंट की बात करूँ तो जब हम कुछ कॉम्बिनेशंस को मिलाते हैं तो वो एक्चुअली वो मिलाते हैं तो वो सेकेंडरी बन जाएंगे, लेकिन वो अभी उसी स्टेट में है जिस स्टेट में निकले हैं, तो वो उतने ज़्यादा नुकसानदायक नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस टाइम। मिलते हैं फिर आपके साथ नेक्स्ट क्लास में। सो अपने आप को प्रूव करके दिखाना है, ड्रीम, बिलीव, एक्ट एंड अचीव। चलिए, थैंक यू सो मच। कल सुबह 9 बजे क्लास है इसी चैनल पे, यू कैन डेफिनेटली अटेंड। उसमें भी एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज ही करेंगे। सो ड्रीम, बिलीव,